फिर मैंने पापा को कॉल किया 11 बजे, इसलिए किया कि अब तुरंत फ़ोन क्या ही लगाना, 10 या 11 बजे के आसपास किया होगा। तो मेरे पापा खेत में पानी भरा रहे थे, पानी भराना बुंदेलखंडी मतलब सिंचाई कर रहे थे। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि मतलब डरते डरते बोला कि पापा मेरा वो इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, इनका रिजल्ट आना है मेंस का। और फिर मैंने तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया मेरा कि हाँ अमित क्या हुआ। तो मैंने बोला पापा, उनको मतलब भाव से ही पता चल गया कि इनका नहीं हुआ है। तो मैंने बोला पापा हाँ हो नहीं पाया इस बार, तो मैं आगे से खुद ही बोल दिया, मेरा दूसरा प्रयास था वो कि पापा अब हो नहीं पाएगा, अब तो हार सी है, मैं अब घर आ रहा हूँ। तो पापा ने मुझे मतलब वहीं से बोला कि बेटा तुम हार गए हो तो नहीं पता, लेकिन बेटा मैं नहीं हारा हूँ, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और बोले बेटा जल्दी फ़ोन रखो, मैं कुएं में लटका हुआ हूँ, मैं कुएं में पंप सुधारने नीचे जा रहा हूँ, कुएं में रस्सी पर लटका हुआ हूँ। तो जब ये शब्द मैंने सुने तो मैंने कहा यार हारना तो नहीं है, क्योंकि एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो पीएससी वाली चैनल पे आपका स्वागत है, और आज हमारे साथ हैं अमित वर्दिया जी, और इनका एमपीपीएससी 2020 में सीटीओ के पद पे चयन हुआ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सबसे पहले तो मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चैनल पर आमंत्रित किया, जिसके माध्यम से मैं अपने कई साथियों और कई जो स्टूडेंट हैं जो दूर दराज का क्षेत्र में, उनसे जुड़ने का मुझे मौका प्राप्त होगा। जी अमित जी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी थी और कितने उतार चढ़ाव आए और आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए? मैम मैं ऐसा मानता हूँ कि जो एमपीपीएससी की जो परीक्षा है वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग परीक्षा है, और अभी अभी हाल के दौर में देखा गया है कि हर एक परीक्षा कम से कम 4 साल पीछे है। तो मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 2016 के आसपास से स्टार्ट की थी, 2017 का अटेम्प्ट दिया, मेरे टोटल मेरे 4 अटेम्प्ट हुए हैं यदि इन प्री को भी काउंट कर लिया जाए, 22 का और 21 का, तो इसके साथ मेरे 6 अटेम्प्ट हो जाएंगे। यदि शुरुआती 4 अटेम्प्ट की बात करूँ मैं, तो चार अटेम्प्ट में मुझे 4 बार मेंस लिखने का मौका मिला है, 3 बार इंटरव्यू है मेरा 19 को काउंट करके, और 20 में मुझे पोस्ट मिल गई है। आगामी देखा जाए तो मेरे पास अभी सिविल सेवा के 2 मेंस हैं, फॉरेस्ट के भी 2 मेंस हैं मेरे पास, और सॉरी फॉरेस्ट का 1 मेंस है, और अभी आगामी 30 जून को मेरा इंटरव्यू भी है फॉरेस्ट सेवा का, भी अच्छा रहा है। और मेरे इस बार मतलब ठीक था मेरा पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं 19 के इंटरव्यू के कारण थोड़ा सा ये मेंस में मैं अच्छा जोड़ नहीं दे पाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ 19 के इंटरव्यू जब भी होंगे तो माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से मुझे बेहतर पोस्ट मिलेगी, ऐसा हाँ मैं उम्मीद कर। बिल्कुल, आपको डीसी मिले, आप पूरी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत और बहुत धन्यवाद मैम। आपको कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद जो एक लाइन रहती है कि उस लाइन के को जब तक आप क्रॉस नहीं करते, आप एस्पिरेंट रहते हो एक तैयारी करने वाले, और उधर अब आपको पोस्ट मिल गई, आप अधिकारी बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है? जी सबसे पहले तो मैम मैं यही बोलूँगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ या जहाँ से हूँ, तो मुझे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 4था अटेम्प्ट था मेरा, तो मुझे ये थी कि अब नौकरी की दरकार थी, नौकरी ज़रूरी थी। मैं जब एमपीपीएससी का रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि मेरा लिस्ट में नाम है या नहीं, तो सबसे पहले मैंने लिस्ट में नाम देखा अपना, और लिस्ट में नाम देखने के बाद लिस्ट को बंद किया। फिर मैंने भाई से पूछा पोस्ट कौन सी मिली है, तो उन्होंने बोला वाणिज्य अधिकारी बन गए हैं अब, तो बहुत खुशी हुई। इसके बाद मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बताया, मैंने नहीं बताया था हालांकि, मेरे भाई ने पहले ही बोल दिया था कि भैया का सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैंने 15 मिनट बाद कॉल किया तो पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा तुमने अच्छा किया है। और मैम एक आपका ये दूसरा क्वेश्चन था कि आप कैसा अन्य की अपेक्षा कैसा फील करते हाँ, हैं। एस्पिरेंट से हाँ अधिकारी बन के जी क्या फील जी आता है जी आपको? मैम अच्छा तो लगता है, मतलब यहाँ इस साइड आते हैं दूसरी साइड आप बैठते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेरे दोस्त या मित्रगण हैं वो लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझसे कई गुना ज्ञानी हैं, और इस परीक्षा में सबसे बड़ी वो है कि मैम धैर्य होना ज़रूरी है, और आपके साथ साथ इसमें राइटिंग स्किल भी आपके लिए ज़रूरी है। तो हो सकता है इस बार नहीं तो अगली बार वो लोग भी मेरे साथ आएँ, मैं भी उन्हीं की तरह एक साधारण सा अमित था जो आज वहाँ से उठ के यहाँ पे आया हूँ मैम। और उस जर्नी में मैं इतना बोलूँगा, उन मेरा कोई भी दोस्त रहा हो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्थिक सहायता ही हो, कभी कभी आदमी को या व्यक्ति को सहयोग की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने पूरा सहयोग किया, इमोशनल सपोर्ट पूरा दिया है।
समाज का नजरिया कैसा चेंज हुआ है जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों का, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा चिंता आसपास के लोगों को रहती है? समाज की तो मैं ऐसे बोलूँगा कि समाज का कहना ये है कि ऐसे एक मीम चलता है, जज्बात बदल दिए। तो पहले जब मैं तैयारी करता था तो लोगों का कहना था कि हमारे गांव से कोई बना नहीं है, इतनी बड़ी परीक्षा है, कैसे पास करोगे तुम। पिताजी टीचर हैं मेरे और ठीक, मतलब नॉर्मल सैलरी है उनकी। तो बोलते थे क्या आप शादी पर करो, तीन बेटे हो तुम लोग तुम्हारे, और कैसे आगे बढ़ा पाओगे इसको। और वो बोलते थे कि मतलब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी चार अटेम्प्ट हो गए हैं, पाँच भी देंगे, छः भी देंगे, लेकिन इनका होगा नहीं। और मुझे मतलब इस तैयारी के दौरान मुझे बताया गया कि एक्सक्यूज मैम थोड़ा, इस तैयारी के दौरान मुझे बताया गया कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप छोटी मोटी जॉब देख लीजिए। उनका भी कहना उचित था, और उसमें कहा गया आपको कि आप चपरासी का पद भी अपने आप में गरिमामय पद है। मैं उसको बिल्कुल ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बहुत अच्छा पद है। मध्य प्रदेश शासन का कोई भी पद हो, भारत सरकार का कोई भी पद हो, वो सभी कर्मचारी सम्मान योग्य हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कोई और पद की तैयारी कर लीजिए, और इस पद के आप काबिल नहीं हैं, और क्या पता आप बैठे बैठे लाइब्रेरी में क्या करते रहते हैं। लाइब्रेरी तो जा रहे हो, लाइब्रेरी तो कई लोग जाते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो लोगों के मतलब विचार ऐसे बदले, लोगों का बोलना ये हुआ कि लल्ला के घोड़े पल्ला में, जैसा नहीं होता बुंदेलखंडी में कहावत है कि यदि कोई होनहार बालक हो तो उसके पैर ना पैरों को देख के आदमी पता कर लेता है पल्ले में ही कि ये बच्चा बहुत योग्य होगा। तो यही सिचुएशन में मेरे साथ भी हुई है कि अभी लोग आ रहे हैं तो मुझे तो पहले से पता था ये कुछ ना कुछ तो करेगा। मैं तो मास्टर साहब को बोलता था कि अमित को बिल्कुल तैयारी छुड़वाना मत, ये अधिकारी बन के ही आएगा। और इससे पहले बोलते थे कि छुड़वा के शादी करवा दो। हाँ नहीं नहीं पहले तो ये बोलते थे कि शादी करा दो, क्या पता इनका भाग्य तो हमने देख लिया है, क्या पता लड़की के भाग्य से ही नौकरी लग जाए। ऐसा बोला करते थे। हालांकि सबका अलग अलग तथ्य है, समाज को आपकी चिंता होती है, तो इसलिए वो बोलते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत सम्मानीय लोग हैं। और अब मैंने सुना है आपने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया था अभी, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम मैं ये बोलना चाहूँगा, इस जर्नी के दौरान मैंने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया, कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिया, और इसके साथ मैंने नेट का भी एग्ज़ाम दिया, और इसके साथ ज़्यादातर फोकस मेरा एमपीपीएससी पे था, तो एमपीपीएससी को ही टारगेट कर रहा था मैं। तो मेरा पटवारी और एक्साइज कांस्टेबल में तो नहीं हो पाया है, बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं वो, मतलब हर एक परीक्षा की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हालांकि मेरा मैं दो दो चीज़ें एक साथ कर रहा था, तो मेरा अभी इसी बार नेट क्वालिफाई हुआ है हिस्ट्री से, और एक दूसरी सफलता मैम मुझे यहाँ प्राप्त हुई है एमपीपीएससी के रूप में। तो और आपका 2019 का इंटरव्यू भी है? हाँ 2019 का इंटरव्यू अभी मुझे देना है, अभी यदि ईश्वर की आशीर्वाद रहा माता पिता का, तो मैं समझता हूँ कि इस हर्डल को भी मैं पार कर लूँगा। और एक और जो माता पिता का रहता है या आसपास के लोगों का परसेप्शन रहता है कि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप छोटा तो निकाल ही लोगे, अगर छोटा नहीं निकाल पाए तो आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, इसके बारे में क्या कहोगे? एक मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्ग में भी जो लोअर मध्यम वर्ग होता है उनकी एक नॉर्मल समस्या है, क्योंकि हम लोगों के पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं कि आपको कोई चीज़ मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको कोई चीज़ परीक्षण करने के लिए मिल जाए कि नहीं आप एक चीज़ करके देखिए और फिर फेल हुई है उसमें और फिर जाके आप कुछ नया कीजिए। तो हमारे पास ना लिमिटेड टाइम होता है, हमें उसी में सब कुछ करना पड़ता है, जो संसाधन है उस संसाधन में पहली बार ही आपको सफल होना होता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं मैम ऐसा पहली बार में ही आप करो और जो कर रहे हो अच्छे से करो। हाँ नहीं, उनका ये कहना रहता है कि जैसे कोई पटवारी का एग्ज़ाम लेते हैं तो उनका ये रहता है कि अरे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी तो निकल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे वही एग्ज़ाम निकलता है मोस्टली। इसके बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, अब आजकल क्या हुआ है कि हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज होने के लिए आपको उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी होगी। यदि ऐसा नहीं है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दो महीने आपने एकदम पैराशूट लैंडिंग की हो, क्या कहेगा पटवारी बन गए या कुछ भी बन गए, आप किसी भी तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको हर एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। हाँ लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि
कि अब जब आपके क्या बोलते हैं सपने बड़े होते हैं तो आप कोई ना कोई पोस्ट अच्छी वो उठा के, मतलब अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है। जैसे कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है और डेडिकेटेड वे में तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको इतना तो बोल सकता हूँ कि उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है कि वो MPPSC का फॉरेस्ट का वन फॉरेस्ट सर्वे जिसमें रेंजर और ACF आते हैं उसके लिए मैथ वो अच्छी कर लेगा उसके थ्रू। और यदि वो पटवारी की तैयारी कर रहा है तो आगामी आने वाली SI की परीक्षा भी वो निकाल सकता है। तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है, फालतू बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। आपका प्री कभी नहीं रुका है, तो प्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि फिर बॉर्डर लाइन पे रहते हैं और फिर रिजल्ट आने का वेट करते हैं मेंस की तैयारी के लिए? जी। प्री के लिए मैं स्पेशली मानता हूँ कि प्री और मेंस मैम एक साथ होती है, और प्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट आपके मेंस के साथ क्लियर होते हैं। तो अभी इस तैयारी के दौरान मैंने ऐसा देखा है कि मतलब मेरे भी कई दोस्त हैं वो प्री के 2 महीने पहले से पढ़ते हैं कि प्री निकालना है। और हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि प्री आने के पहले आपको मेंस पढ़ना चाहिए, मेंस से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, फिर आपको खाली फैक्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो आप कहीं से भी 1 महीने की तैयारी में और करंट अफेयर के साथ आप निकाल सकते हो। और एक और होता है इसमें कि प्री की जब आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम फुल्ली डेडिकेटेड होकर करिए। आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम टेबल आपको तीन फेज में होना चाहिए आपका, एक मंथली टारगेट होना चाहिए, एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए और एक उस दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये टारगेट तो अचीव करना ही करना है। और यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है और टेस्ट सीरीज में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो अच्छी बात है और टेस्ट सीरीज देना भी चाहिए, लेकिन मेरा सभी से ये कहना है टेस्ट सीरीज में कि आप प्री के लिए जो भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें क्या किया कीजिए कि यदि आपको 2 घंटे की टेस्ट सीरीज है तो उस 2 घंटे में आप जो टाइम मिला है आपको पूरा का पूरा टाइम उस पर लगाइए। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटे में टेस्ट सीरीज सॉल्व करके एकदम बिल्कुल पन्ने उड़ाते हुए बाहर आ रहे, भाई मैं तो आधा घंटे में भी पूरा कर लिया, तो क्या होता है आपकी ये हैबिट वहाँ पेपर में भी होती है और आपको जो सर्कल अच्छे से फिल करने थे वो वहाँ पर आप फिल नहीं कर पाते हो। और फिर क्या होता है कि आपको जैसे मान लो सर्कल फिल करना है स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों का, गलती में जोश में ऐसे कर देते हैं कि एक सर्कल भरा और रुक जाता है, एक ऐसे मैम होता है और कई मैम OMR सीट भरने भी कई बार गलतियां आ जाती हैं लोगों से। एक मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो MPPSC में प्री में क्या होता है कि आपको रोल नंबर के साथ साथ सर्कल फिल करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि जो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर रोल नंबर के पहले डेट का ऑप्शन होता है। हाँ। और डेट का जो ऑप्शन होता है वो बड़े बड़े अक्षर होते हैं और जहाँ आप अपना रोल नंबर फिल करते हो उसके अक्षर छोटे छोटे होते हैं। तो मेरे दोस्त ने क्या गलती की थी कि उसने अपने रियल रोल नंबर के हाथ आगे गलती से हाथ रख लिया और जो डेट फिल की थी उसके अनुसार गोले फिल कर दिए, तो उसमें भी 6 सर्कल होते हैं, इसमें भी 6 सर्कल होते हैं, तो उसका खाली उसने अपनी आंसर की अच्छे से नहीं भरी थी, इसके कारण वो बाहर हो गया था। तो आपको सजग रूप से बनना है। ये बिल्कुल मेंस का आपने कैसे किया, क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे जैसे सब बनाते हैं, और किन सोर्स का यूज़ किया था? मेंस का मैम ऐसा है कि मेंस के लिए पहले तो आप कोई बुक पढ़िए और जो भी बुक है आपकी उसको 2 बार पढ़ने के बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या होता है कि आप जब पहली बार में कोई शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मैं तो ऐसा मानता हूँ वो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आप उसमें लिख दोगे तो उसका कोई मतलब तो नहीं। हाँ, तो फिर वो रजिस्टर्ड हो जाए, वो रजिस्टर बन जाएगा। अब मेरी खुद की हिस्ट्री के जब मैंने पहली बार नोट्स बनाए थे वो जो एक है वो ग्रंथ टाइप के आदिमकालीन ग्रंथ बन गए हैं। उसको पढ़ने में फील भी आता है कि वास्तव में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुरातत्व विभाग की हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। तो पहले 2-3 बार कोई भी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िए आप, और फिर उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि ये इसका कीवर्ड है उसके साथ नोट्स बनाइए। और नोट्स भी सभी विषय के मैं बनाना मतलब उचित नहीं मानता हूँ, जो आपको लगे कि ये सब्जेक्ट लेंदी है इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होना ज़रूरी है तो उसके आप बना सकते हो। और यदि किसी के शॉर्ट नोट्स यदि मार्केट में हैं और उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है कि इसने सिनॉप्सिस अच्छे बनाए हैं तो आप उस सिनॉप्सिस को अपनी कॉपी में उतार लीजिए जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी 20-22 वालों के लिए तो काफ़ी टाइम है, वो नए नए चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों के साथ
एक और समस्या आती है कि वो पेपर टाइम पे नहीं लिख पाते हैं, ये भी एक समस्या है। ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? हाँ मैम, मैं टेस्ट सीरीज लिखता रहा हूँ। कितने टेस्ट दिए होंगे लगभग आपने? मैम जो भी 2019 की तैयारी कर रहा है या कर रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैम कोविड आ गया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोगों को मेंस के लिए लगभग 1.5 साल का टाइम मिल गया था। तो उस 1.5 साल के दौरान क्या हुआ कि MPPSC 2019 की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, उसने कम से कम 4 टेस्ट सीरीज़ तो लिखी होंगी, 4 नहीं तो 3 तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, 3 टेस्ट सीरीज लिखी होंगी और 50 से 100 के बीच में टेस्ट कॉपी वो लिख चुका होगा। तो लिखने के द्वारा ही मैम ऐसा होता है कि आप देखो MPPSC का ऐसा है मैम कि आपको नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज को जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे वहाँ पर, तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको नॉलेज है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी बिल्कुल जोर देना है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि आप लिखने पर नहीं करोगे और आलस खाया आपने, तो MPPSC को तो 200 लोग चाहिए, तो जो इतना तो मैं मान रहा हूँ ना, 3 लाख लोगों में 200 लोग तो लिख ही रहे होंगे। आप नहीं लिखोगे तो MPPSC को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यदि आपको चयनित होना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर एक टेस्ट आपको शिद्दत से देना पड़ेगा। आप जैसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप ये मान के चलिए कि पहला टेस्ट ही मेरा अंतिम पेपर है, मैं बिल्कुल रियल पेपर देने जा रहा हूँ। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, वो बोल टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनका क्या होता है कि वो पहला टेस्ट दे लिया उन्होंने, फिर बोलते हैं मैं FLT दूंगा सीधा। अब जब आप FLT डायरेक्ट दोगे तो आपका एग्ज़ाम के 15 दिन पहले FLT हो रही है, या मान लो 1 महीने पहले, उसमें आपके कम मार्क्स आए, तो आप डीमोटिवेट फील कर सकते हैं। और यही चीज़ यदि आप पहले से स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आपके 30 नंबर आएँ, आप 5-5 नंबर गेन करते 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 80 तक पहुँच जाएंगे। हाँ। लेकिन वहाँ पर आप सुधार नहीं कर सकते हो, वहाँ तो टाइम नहीं रहता। हाँ, तो खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप अपने आप में बदलाव नहीं लाते हैं और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी नहीं लिखते हो और बेहतर करने का प्रयास नहीं करते हो जब तक। आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 149, तो क्या रीज़न है इसका? आपने कितनी प्रैक्टिस की थी, कितने मॉक दिए थे और कैसे तैयारी की आपने? जी मैं ऐसा मानता हूँ मैम कि जो इंटरव्यू की परीक्षा है वो एक आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, उसमें आपका जो नॉलेज लेवल है वो आपका प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर लिया गया है, और आपका व्यक्तित्व ही इंटरव्यू को बोर्ड को प्रभावित करता है। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर झूठ नहीं बोलना है पहले बात तो, क्योंकि वो झूठ तुरंत पकड़ लेते हैं आपका, कोई भी झूठ हो तुरंत पकड़ लेते हैं। और इस जर्नी में मैंने देखा है, इंटरव्यू की जर्नी में मैं पहले शुरुआत में थोड़ा सा नर्वस फील करता था, वो सबके साथ होता है, क्योंकि एकाएक आदमी मतलब ऐसा बोलूँगा कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। आप कोशिश करते रहो, मॉक देते रहो। मॉक से क्या होता है, कई बार होता है कि मॉक आपका गलत वे में चला जाता है, तो आप खाली मॉक में बोलने के लिए जाइए, बोल लिए देखिए मैंने कैसे बोला है, कोई गलती तो नहीं की। हाँ, हालांकि हो सकता है उनका रिव्यू नेगेटिव आए, तो आप सोच सकते हो कि यदि पॉजिटिव आया तो अच्छे से सुनो, और नहीं आया तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। अपना ऐसा टारगेट बना के जाओ कि मैं तो अच्छा बोलने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ कि मैं नॉर्मल टॉक करने जा रहा हूँ। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे डॉक्टर से मिलने जाते हैं ना, तो हमें क्या क्या समस्याएं हैं, डॉक्टर ने क्या क्या हुआ है उसको अच्छे से बताया मैंने। तो आप जब ऐसा सोच के जाओगे ना कि मतलब मैं बस बातचीत करने जा रहा हूँ, तो आपका इंटरव्यू बहुत मैं मानता हूँ कि बेहतर रहेगा। और एक और है मैम कि इस इंटरव्यू के दौरान लगभग इंटरव्यू के 1 महीने पहले, मतलब जो इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO हैं और हमारे बड़े भैया श्री RP अहरवाल जी ने हम मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दिया और मुझ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क भी किया था। उनकी जो गाइडलाइन, उनका जो मार्गदर्शन था वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, मतलब मैं उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे लगभग 10 मीटिंग तो उन्होंने मेरी ली थी, और उसमें मुझे बताया था अमित कैसे बोलना है तुम्हें, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या कैसे क्या करना। उन्होंने सीधा सीधा बोला था मुझे कि अमित तुम एक काम करना कि आप यदि आपको कोई घबराहट होती है या आपको बोलने में कोई ऐसा होता है, तो उन्होंने बोला कि आप जैसे सामान्य परिचर्चा किसी से करते हो आप वैसे ही बोलना, ज़्यादा किसी के बनने की या आइडियल आंसर देने की कोशिश नहीं करना, और इंटरव्यू में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अमित ऐसा नहीं आएगा जिस पर तुम 2 लाइनें ना बोल पाओ। तो ये थोड़ा उनका पॉजिटिव मुझे लगा, तो इससे मैं गया
और नॉर्मल टॉक मैंने की और नॉर्मल बात करते करते 35 मिनट तो इंटरव्यू हो गया था। 35 के बाद कितना हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पीछे वाले जो लोग जो बैठे हुए थे वो भी मेरा मित्र ही था, तो बोला था यार तुमने थका दिया यार मुझे, तो ऐसे हुआ था। तो उनका मतलब मेरे लिए बहुत योगदान है, मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि भैया का योगदान हमेशा बना रहे मेरे साथ, और वो इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मतलब वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, MP के बहुत से बच्चों के लिए भी वो सहयोग करते रहते हैं जी। तो आप बाकी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग भी आपकी तरह लाइन के उस पार चले जाए और वो भी सबको गाइड करे और एम्प्लॉयड हो जाए? जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस जर्नी के लिए जो आए हैं, जिस मार्क जिस पोस्ट के लिए आए हैं, या आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पे आप डेडिकेटेड रहिए। हो सकता है आपको इस जर्नी में कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाए आपको, तो आप अपने उस पे फोकस्ड रहिए, धैर्य बनाइए, पढ़ते रहिए, ठहरिए कहीं नहीं, आप अंततः आपको सफलता मिलेगी। और MPPSC वालों से मेरा विशेष अनुरोध है, अनुरोध नहीं बोलूँगा, वो तो मेरे मित्र ही है, मतलब मेरे साथी है, कि MPPSC वालों से मेरा यही है कि आप टेस्ट सीरीज अच्छे से लिखिए और शिद्दत से लिखिए, और खाली जब प्रीलिम्स आया है तब मत पढ़िए। प्रीलिम्स के पहले एक साल जो आपको मिलता है उसमें आप बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़िए, आपका एक या दो अटेम्प्ट में निकल जाएगा। मेरा तो हालांकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, वो मुझे बाद में पता चला, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको टेस्ट अच्छे से लिखना है। तो यही इस सिलेक्शन का राज है मैम, कि आप टेस्ट अच्छे से लिखिए, फोकस्ड रहिए, और आपके जो टीचर हैं आपको जो गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे लिखना है, आप यहाँ पे 3 लाइनें लिखिए, यहाँ पे 2 लाइनें लिखिए, और आपको कैसे क्या करना है, ये सब उनको मतलब उनको ही अपना सब कुछ मान के उनकी जो उनका इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। निबंध के लिए आपने क्या किया था, कुछ खास किया था ऐसा? निबंध के लिए मैं बताना चाहूँगा कि निबंध पहले तो ये है कि आपकी निबंध की कोई विशेष तैयारी नहीं होती है, आप शुरुआत के जो 3 या 4 पेपर जो पढ़ते हो उसमें ही निबंध की तैयारी होती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र के जो विषय के या मुद्दे हैं उसको आप फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कंप्लीट कर लेते हो, और जो नैतिक पक्ष बचता है वो पेपर 4 में आप कंप्लीट कर लेते हो। तो बस खाली आपको इतना आना चाहिए कि आपको फ्रेमिंग कैसे करना है निबंध की, सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को निबंध में ही आती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने और मेरे भाई ने भी किया था, मतलब मेरा भाई भी 2019 का इंटरव्यू देने वाला है, एडिशनल में था वो, तो उसने भी काफ़ी मेहनत की है, उसको भी मैंने ये थोड़ा सा बताया था निबंध के बारे में कि ऐसे ऐसे कीजिए, तो उसका हुआ है, वो बोलता भी है कि भैया मुझे बेनिफिट हुआ था उस चीज़ का। तो आप एक काम कर सकते हो कि एक किसी कोचिंग पर जो टॉपर्स हैं, जैसे साक्षी गर्ग मैडम हैं, वो UPSC में कोई रैंक आई है उनकी, अच्छी रैंक आई थी उनकी, और उनकी कॉपी ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप उनकी निबंध की कॉपी पढ़िए, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इस पेपर में निबंध में आपको आपके सेंटेंस को लिंक कैसे करना है। और आपको यदि एक बार लिंक करना आ गया तो जो 10 पेज आते हैं आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं 10 पेज भर नहीं पा रहा हूँ या भर नहीं पा रही हूँ। तो एक और मैं तो ये बोलूँगा कि मैं साक्षी मैडम की कॉपी से एक निबंध मेरा फंस ही गया था पूरा। अरे वाह। तो एक साहित्य समाज पर दर्पण है, वो तो मैडम ने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने किसी और की कॉपी देखी थी, उसमें आ गया था वो। अरे वाह, तब तो हाँ मुझे वहाँ का फायदा हुआ था, क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हो तो बुक क्या है, आइडियल तरीके से बनाई जाती है, तो आपको ऐसा लगता है बुक पढ़ने में निबंध की कि जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट या कई चीज़ रट रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी राइटर या किसी स्टूडेंट के निबंध पढ़ते हो तो वो अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा निबंध लिखता है, तो उससे क्या होता है कि आप उसके साथ लिंक कर पाते हो, वो कहीं ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है। कई बार निबंध क्या होता है, जितनी भी बुक आ रही है उनको कॉपी पेस्ट करके लिख दिया जाता है, और आपको लगता है ऐसा निबंध तो मैं सदियों में नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो हमारे जो पूर्व के हमारे जो सीनियर्स हैं, जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो हम उनका अनुभव का फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं, और उन्होंने अपनी ऑनलाइन कॉपी भी डाली है, तो आप मैं बोलूँगा कि सबको ये करना चाहिए, और इथिक्स में भी ऐसा ही। मैम आपने पेन कौन सा यूज़ किया था, ये मोस्टली सारे स्टूडेंट का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। अभी मैं आ रही थी तो आते आते मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि पेन ज़रूर पूछ लेना। जी जी जी, पेन का मैं ऐसे बोलूँगा कि आप मेरे रूम में यदि कोई जाएगा वो देखेगा
तो दुकान पर जितने पेन नहीं मिलेंगे उतनी टाइप और वैरायटी मेरे रूम पर मिलेंगी। मुझे लोग, मेरे जो दोस्त हैं, वो बोलते थे ये पेन लवर है, क्योंकि मेरे पास हर एक क्वालिटी का, हर एक वैरायटी का पेन मेरे साथ था जिसका मैंने यूज किया। फिर लास्ट में देखो, मैं पेन का क्या होता है, चयन अपने अपने हिसाब से होता है। आपको मतलब हैवी पेन यूज करना अच्छा लगता है या पतला पेन यूज आप करते हो, वो आपके पर्सनल उस पर है। लेकिन इस परीक्षा के लिए आपको चाहिए कि एक स्मूथ पेन होना चाहिए, स्मूथ, जो आपकी राइटिंग को बरकरार रखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा पतली निब वाला पेन लिया, वो कॉपी में गड़ता है तो आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो आप ऐसा पेन लीजिए जो आपकी स्पीड बढ़ाए और थोड़ा स्मूथ चले। उसके लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। आपने कौन सा किया? मैं तो मैम एक रेनॉल्ड का एक पेन आता है, उसको यूज किया था। बटरफ्लो टाइप का कुछ है वो, उसका 15 रुपये का एक पेन आता है। लेकिन आप लोग मत फॉलो कीजिएगा उसको, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। क्या पता आपको अच्छा ना लगे, ज़्यादा फिसलता हो। जैसे मुझे याद है कि 2019-17 का अटैम्प्ट था, तो पहले मैं क्या था कि उससे राइटोमीटर से लिखता था, तो राइटोमीटर पतला और गड़ के चलता था। और अगली बार मैंने क्या किया, बटरफ्लो से लिखा, तो वो बटरफ्लो इतना बटरफ्लो था कि वो आगे ही बढ़ते जा रहा था, मेरा हाथ उसके साथ चल ही नहीं रहा था। तो आपको अपने हाथ के अनुसार उसको कम्फर्ट जोन में लाना होगा मैम, तो पेन उधर से होगा। अपने आप को मोटिवेट करके कैसे रखें पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि इसका फिक्स तो होता नहीं कि आपका एक साल में हो जाएगा, मतलब रेयरली केस में होता है, बहुत कम लोगों का जो फर्स्ट टाइम में निकलता है, बाकी सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। और लोग आसपास कुछ लोग भी ऐसे बोल देते हैं बिल्कुल कि नहीं, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, तो उनकी बातों को भूल के कैसे लगे रहें? इसके लिए एक ही चीज़ है मैम कि आप जिस तैयारी के लिए आए हैं, वो तैयारी जिस पोस्ट के लिए आए हैं, वो पोस्ट आपको उसमें पेशेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मान के चलिए कि इस तैयारी के लिए आपको कम से कम 2 साल तो लगने वाले हैं, किसी को 1.5 साल भी लग सकता है, क्योंकि 1.5 साल में भी कई लोगों ने निकाला। लेकिन 2 साल आप मान के चलिए कि 2 साल में आपका पेपर अच्छी शिद्दत से आप पढ़ते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा। और इस तैयारी में कई हर्डल्स आपके पास आते हैं, कई समाज के लोग आपका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने तो वो यही बोलेंगे कि अरे बेटा तुम जितना तो टैलेंटेड दुनिया में कोई मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन पीठ पूछे फिर वो बोलते हैं कि अरे यार क्या ही है, अभी 4था अटैम्प्ट दे रहे हैं, 5वां भी देंगे, ये लगे रहेंगे, इनका कुछ है नहीं। लेकिन इस तैयारी में आपको अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो मैंने फील की है कि आपके परिवार ने, आपके समाज ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपको एक चीज़ मुझे अच्छे से याद आती है कि जब मेरा 2018 का मेंस नहीं निकला था, तो शाम के टाइम दिसंबर में रिजल्ट आया था, 6 दिसंबर के आसपास, और रात को 7-8 बजे शायद रिजल्ट आया था या 5-6 बजे आया था, तो मेरा नहीं हुआ। और फिर मैंने पापा को कॉल किया 11 बजे, इसलिए किया कि अब तुरंत फ़ोन क्या ही लगाना, 10 या 11 बजे के आसपास किया होगा। तो मेरे पापा खेत में पानी भरा रहे थे, पानी भराना बुंदेलखंडी मतलब सिंचाई कर रहे थे, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि मतलब डरते डरते बोला कि पापा मेरा वो इस बार नहीं हो पाया, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, इनका रिजल्ट आना है मेंस का। और फिर मैंने, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया मेरा कि हाँ अमित क्या हुआ, तो मैंने बोला पापा, उनको मतलब भाव से ही पता चल गया कि इनका नहीं हुआ है, तो मैंने बोला पापा हाँ हो नहीं पाया इस बार, तो मैं आगे से खुद ही बोल दिया, मेरा दूसरा प्रयास था वो कि पापा अब हो नहीं पाएगा, अब तो हार सी है, मैं अब घर आ रहा हूँ। तो पापा ने मुझे मतलब वहीं से बोला कि बेटा तुम हार गए हो तो नहीं पता, लेकिन बेटा मैं नहीं हारा हूँ, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और बोले बेटा जल्दी फ़ोन रखो, मैं कुएं में लटका हुआ हूँ, मैं कुएं में पंप सुधारने नीचे जा रहा हूँ, कुएं में रस्सी पर लटका हुआ हूँ। तो जब ये शब्द मैंने सुने तो मैंने कहा यार हारना तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उनका मोटिव यही था कि जब तक जीत ना जाओ जीत ना मानो, जब तक हार ना जाओ हार ना मानो। तो ये उनका संघर्ष रहा है। मेरी माता जी भी मतलब हम लोग प्योर गाँव वाले हैं। कहाँ से वैसे? मेरा जिला टीकमगढ़ में एक छोटा सा गांव है, ग्राम जेवर, बहुत खूबसूरत गांव है मैम, कभी आइएगा तो घुमाएंगे आपको। तो वहां से हम लोग हैं, हमने 5वीं तक की शिक्षा जब वहां से की, तो हमारे मामा जी आए थे एक बार गांव, तो उन्होंने देखा अरे यार ये तो ऐसे बुंदेलखंडी में एक शब्द है, ये तो ऐसे भाईजात घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग सब उठाओ सामान और चलो निवाड़ी चलो। फिर हम लोग वो अभी मामा जी हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्री LR प्रजापति जी, हाल ही में उनकी PhD कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने हम लोगों को
निवाड़ी शिफ्ट करवाया था, उसमें हमारी मम्मी का बहुत योगदान था। मम्मी घर पर लड़ गई थी कि भले हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, हमें नहीं चाहिए कोई ज़मीन वमीन, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। फिर वही हम लोगों को ज़बरदस्ती निवाड़ी लेके आई थी, फिर वहाँ से हमारी जर्नी का दौर शुरू हुआ, तो वो आगे बढ़ते ही चले गए। थैंक यू सो मच सर, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी थी और आगे भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको डीसी का पद मिले 2019 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मतलब चैनल के थ्रू मुझे टाइम दिया और डीसी के लिए जो आपने बधाई दी है उसके लिए भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक मैम अपनी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा किसी को भी कि हो सकता है कि आपको 4 साल लग जाएं इस परीक्षा में, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, आप उस समाज में यदि 4 साल बाद भी वापस जाते हैं तो आप एक ये मान के चलिए, जैसे मैं अपने गांव का पहला वो स्टूडेंट या निवासी हूं जो यहां तक पहुंचा हूं, तो आगामी जो लोग आने वाले थे वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे मैं फेल होके जाता हूं, तो देखो वो अमित भैया गए थे 4 साल बढ़िया वो वहां पर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, देखो अभी वो यहां पे आ गए। तो कम से कम जो लोग आने वाले हैं आप उनके लिए आदर्श बनिए और ऐसे सिचुएशन में मत जाइए कि आने वाला कोई व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाहता है आपके उदाहरण के कारण वो आ ना पाए। मतलब ये अधिकार आपको तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस समाज के लोगों को यहाँ तक आने के लिए रोकें, क्योंकि समाज को आपके साथ बहुत बहुत उम्मीदें होती हैं और ये आप अपने आप को एक सबसे अलग नहीं कहूँगा लेकिन बेहतर मानिए कि आपको पढ़ने का अवसर मिला है, आपको वो बुद्धि मिली है, या मैं बुद्धि नहीं मैं ऐसे बोलूँगा वो प्रतिभा मिली है आपको कि आप उस समाज के लिए, समाज मतलब मेरा सभी वर्गों से संबंध है क्योंकि मेरे गांव के सभी लोग चाहते थे कि मैं शुरू से ऐसे बनूं, तो आपको पूरी डेडिकेटेड होके फुल फोकस्ड होके पढ़ाई करना है। हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में ना हो, तीसरे मतलब हो जाएगा आप यदि मेहनत करेंगे, हाँ होगा ज़रूर, लेकिन आप निराश होके मायूस होके और फेल होके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसका डी इम्पैक्ट गाँव वालों पर बहुत पड़ता है, क्योंकि आप उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आप ही यदि डीमोटिवेट या फेल होके जाओगे तो आगामी 20 वर्षों तक एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला जीवन में कोई लड़का खड़ा नहीं होगा। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप लगे रहें, पढ़ते रहें और अपने समाज का और अपना और परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद अमित जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, थैंक यू मैम। आपने टाइम